व्हील्स करो। शिव गंगा, गंगा आ रही है धीरे धीरे, हमारे साथ बने रहिए। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, बस वहीं तक तो जाना है। दिखाया जाए कहाँ तक जाना है? बस वहीं तक, बस वहीं तक, बस वहीं तक। रुकिए आपको जूम करके, गंगा रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसको पता नहीं है। देखिए बस वहीं तक जाना है, ठीक है भाई। एक बार जरूर आना यहाँ पे, एक बार आप जरूर आए। अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो शिव गंगा, शिव गंगे हिल्स कितना करके सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। कैसा फील हो रहा है भाई आपको? थोड़ी देर देखिएगा भाई, तो अभी बार बार बहुत वीकेंड आपको आना है और मजे करना है बैंगलोर में। ये जगह आपको दिखाते हैं, यहाँ से नज़ारा देखने में आपको बहुत ही सिंपल लगता होगा, बट कुछ ऐसा यहाँ पर जरूर दिखाएंगे। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर गद्दे डाल के सो जाएगा भाई, मस्त नींद आएगा। क्या मस्त ठंडा हवा चल रहा है ना। हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं शिवगंगे हिल्स घूमने, जो कि बैंगलोर से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर है। तो वहाँ पे घूमना है, ये आपका ट्रैक है, आधे घंटे से एक घंटे आपको ट्रैक करने में लगते हैं। और जैसा नंदी हिल्स है, ये वैसा नहीं है क्योंकि नंदी हिल्स में मोस्टली ऊपर तक कार चला जाता है, बट यहाँ पे आपको खुद वॉक करके जाना होगा। तो बाकी का जो भी होगा आपको ब्लॉग में आगे दिखाते हैं, और अपने यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। ये रहा यहाँ का व्यू, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, और ये हमारे पीछे का व्यू। तो बाकी का जैसा होगा वो आपको आगे के ब्लॉग में दिखाते हैं कि ऊपर जाके कैसा व्यू मिलता है, प्लस कितना दूर हमें ट्रैक करना है। तब तक के लिए ब्लॉग को आगे देखते रहें। और दोस्तों, हमारे हैवी ड्राइवर साहब ने गाड़ी चढ़ा दी है शिव गंगे हिल्स की तरफ, और अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। बने रहिएगा, मंजिल सुहाना सफर वाला नहीं है। और यहाँ पर अब हमें चढ़ना पड़ेगा, गाड़ी अब इसके आगे नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि हमारे हैवी ड्राइवर और हमारे तीन महारथी कितना चढ़ पाते हैं। हेलो गाइस, हम गलती से गलत जगह पे आ गए हैं, हम शिव गंगे टेम्पल पे आ गए हैं। ट्रैक दूसरी जगह है, तो हम अभी वापस जा रहे हैं नीचे। बने रहिएगा हमारे साथ हमारा सफर जानने के लिए। और ये शिवगंगा हिल्स का मेन एंट्रेंस, शिवगंगा हिल्स का, तो आप यहीं से अगर आते हो तो यहाँ से मेन एंट्रेंस, और इसके आगे देखते हैं कहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे कार लगा के फिर वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। देखते हैं कितना ट्रैक का है। एज पर गूगल तो हमें लगा कि 150 स्टेट्स होगा, बट आगे जाके देखते हैं कि कितना सीढ़ी मिलता है। और ये सुखड़ सी जगह पर हमारी गाड़ी चली आ रही है धीरे धीरे, हमारे साथ बने रहिए। देख रहे हैं कितनी सुखड़ी रास्ता है, ये हमारी गाड़ी बैरली आ पा रही है इसके थ्रू, और ये आ गई हमारी गाड़ी। गई हमारी गाड़ी हमें छोड़ते हुए। और ये एंट्रेंस पॉइंट है शिवगंगे का, आप अगर ऊपर जाते हो तो यहाँ से एंट्रेंस है। अगर आप आते हो तो आपको इस तरह का 200 स्टेयर्स चढ़ने कैसा लग रहा है भाई? बहुत प्यास लगी है। अभी 200 सीढ़ी चढ़नी है, अभी तक हमें लगता है कि 50 सीढ़ी चढ़े हैं, बहुत अभी चढ़ना बाकी है, 50 हुआ होगा ज़्यादा ज़्यादा। और ये ऊपर जाने का रास्ता, आप अगर आते हो तो इधर से घूमते हुए आप ऊपर जा सकते हो। और ये यहाँ से ऊपर का रास्ता तो कैसा लग रहा आप सबको यहाँ तक पहुँच के? मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल तीनों हेल्थ खराब है, बहुत जल्दी पता चला। पहले पड़ाव पे आपको पता चला? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ऐसे ही हमें करीब आधे घंटे की और ट्रैक करनी है। बस हमारे साथ बनी रहिए, हम ऊपर तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, मतलब ऊपर ऊपर के पॉइंट पे ऊपर तक पहुंच जाएंगे, बट नीचे उतर पाएंगे नहीं, वो क्वेश्चन है। वो जानने के लिए ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना क्या हम पार्किंग तक सही सलामत अपने टांगों पे पहुंचे या नहीं, है कि नहीं अरुण भाई? बिल्कुल। तो बस ब्लॉग में बने रहे आगे का फिर ट्रैक देखने के लिए, पीछे जो रास्ता ऐसे ही हमें टॉप तक जाना है।
घबराने की बात नहीं है दोस्तों, बस वहीं तक तो जाना है। दिखाया जाए कहाँ तक जाना है? बस वहीं तक। रुकिए, आपका जूम करके रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसको पता नहीं है। देखिए बस वहीं तक जाना है, ठीक है? हाँ बस वहीं तक जाना है, वहाँ तक जाना है। तो बस वहाँ आपको दिखाते हैं कि पहुँचने के बाद हमें कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हाँ तो कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत बढ़िया। एनिमेस पीछे आना, फिर भी हम लोग बहुत ऊपर तक पहुँच फिर भी उस पहाड़ के ऊपर जाना है, हाँ देख ही लेना। हम वहाँ पे आपको जो जगह दिखता होगा बस वहीं तक पहुँचना है, वही शिखर पे। आगे का रास्ता आपको देखिए, आसान रास्ता है। हम बस आगे का रास्ता पूरा कोहरा ही कोहरा, जाने में हम बोलेंगे 100-150 ज्यादा मिल लो। अंधकार छा रहा है धीरे धीरे। हाँ अब चलते रहे, एनर्जी ड्रिंक पीते रहे। तो आपको पानी कैरी करो साथ में, हम लोग की तरह ऑक्सीजन कैरी करो, एक पैराशूट भी लेके आ रहा नीचे उतरने का टाइम, एक पैराशूट चाहिए। अभी तो सोचो ना कि उतरने में क्या हालत होगा भे। बस फॉलो करते रहो, चलते रहो भाई हमको, और यहाँ से एक घंटा और ये देखो ना भाई, मैसेज किया 7000 स्टेप पूरा हो गया तो भाई एक बार जरूर आना यहाँ पे, एक बार आप जरूर आए। अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो शिव गंगे हिल्स, ठीक है? इस नाम को आप याद कर दो, आप बोल सकते हो। फुल एनर्जी के साथ यानी कि दौड़ते हुए चलो, देखते हैं यहाँ से कितना जल्दी चल पाते हैं। दौड़ बे, क्या हुआ? दौड़ 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 दौड़। और ये स्ट्रिंग का पावर यानी कि इतनी स्ट्रिंग की है। चलो भाई दौड़, देखते हैं कितना जल्दी पहुँचते हैं। अच्छा बढ़ गई, निकल गई अनिकेत। और ये फाइनली हम आधा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। यहाँ पे शंकर भगवान का स्टैचू है और जहाँ पे वो देख रहे हैं वो सबसे ऊपर है, और हमारे दोस्त यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जितना हाइट पे है। और भाई ये क्या था, ये तो भाई ये सिलेबस के बाहर का निकल गया। वही ना, अलग से सरप्राइज आ गया। पानी पिलाते रहो, लाइन में लगो। हाँ देखिए करके सबको मिलेगा। हाँ। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको पानी मिलेगा एकदम। हाँ अबे तुमको सबसे ज्यादा प्यास लगा, ले साला थके हम इसको पानी पिला रहे। और इतना ऊंचा के हमारे दोस्त थोड़े पगला से गए हैं, जो कि काउंट कर रहे हैं कि और कितना सीढ़ी हमें चढ़नी है अभी। मंजिल ऊपर से यार, मंजिल दिखाओ, नीचे से ऐसा दिखाओ, ऐसे मंजिल वो दिखाओ। आप थोड़ा अगर देख सकते हो तो हमें बस वहीं पे और वहीं पे नहीं जाना है, ठीक है? तो आप देख सकते हो, बस हम ब्रेक लेते लेते सांस जोड़ते हुए और पानी पीते हुए और बंदर को पानी पिलाते हुए हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको ऊपर तक पहुंच के दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। ज़्यादा ऊपर नहीं, नीचे वाला ही ऊपर दिखने वाला, ये वाला सीढ़ी है, इससे भी हमें और ऊपर जाना है। और कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, पर पहुंच जाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर गद्दे डाल के सो जाएंगे भाई, मस्त नींद आएगा। क्या मस्त ठंडा हवा चल रहा है ना, हवा कितना सही। हाँ हवा मस्त है। बस हमारा एक दोस्त आधे रास्ते रुक गया, दूसरा कमी चाहिए, कहीं नीचे कहीं रुका हुआ है जो आराम कर रहा है, हम उसका वेट कर रहे हैं। अगर आप आते हो और एक तकिया लेते हैं, नहीं बेडशीट तकिया मत लेके आना, बोतल यहाँ पे फेंकना, इधर उधर आप कचरा मत फैलाना, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा चीज़ लगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है बहुत अच्छा है। सारा कूड़ा कचरा ही रखा गया है कलेक्ट करना, मतलब समझ सकते हैं भावनाओं को समझो भाई, ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो है।
हाँ हेड पता नहीं किसका है, फोटो हाँ फोटो नहीं। देखिए आपको यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं कि हम कैसे रास्तों से यहाँ तक पहुँचे, वो देखने में आपको बहुत ही सिंपल लगता होगा पर रास्ता कुछ ही ऐसा है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो कुछ ऐसा नज़ारा है। तो बस ऐसे करते करते हम नीचे से स्टार्ट किए थे ट्रिक और यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें वहाँ पर कहीं जाना है, तो आपको ऊपर जाके हम वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ से नज़ारा, देखने में आपको बहुत ही सिंपल लगता होगा बट कुछ ऐसा यहाँ पे चढ़ने का। हाँ बस ऐसे पकड़ के आपको चढ़ना है और नीचे से आना है और यहाँ पे हमारे दोस्तों का हाल देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों हम बस पहुँचने को है, आप बस थोड़ी सी और मेहनत करें और हम वहाँ पे पहुँचने को है जहाँ पे हमें जाना है, अगर आपको दिखता होगा। चलिए चलो, कभी कभी ऐसे तूफानी। हाँ आज मस्त नींद आएगा। हाँ भाई तुम्हें और फाइनली वी डिड इट, फाइनली डिड इट, यस यस फाइनली हम सबसे ऊपर बाहर के टॉप पे। आप यहाँ पे आते हो तो एक मंदिर भी है, आप चाहो तो मंदिर में भी घूम सकते हो। फिर यहाँ पे व्यू पॉइंट में आपका ये है, फिर वहाँ पे देखिए यहाँ पे आप ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप चलोगे डायरेक्ट ऊपर। आपका ब्रेक काम नहीं किया, हैंड ब्रेक काम नहीं किया। यहाँ पहुँचो उसके बाद देखो क्या फील होगा। ओके वहाँ पे पहुँच के फिर आपको फील देते हैं गाइस। आप आगे हमारे देख सकते हैं, हमारे दोस्त चल रहे हैं, बताते हैं कैसा है अभी आगे। हाँ आगे आगे चल रहे हैं, रोड मैप हमें बता रहे हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ से चढ़ने का तो हम चढ़ गए थे, अब उतरने का फील लेते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। भाई अगर आपने यहाँ तक का ब्लॉग देख लिया और आपको शिवगंगे हिल्स का ये ब्लॉग जो भी ये ट्रैकिंग था आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसी चैनल पे आप और भी घूमने के मतलब जो भी यहाँ पे बैंगलोर के आसपास में और भी हिल स्टेशन जो है प्लेसेस घूमने का वो आप देख सको। तो तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। पीस आउट।